उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। हालांकि इसी बीच लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से रात भरी खबर भी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक 3 दिन बाद पूरी हवाएं उत्तर प्रदेश में दस्तक देगी और उत्तर प्रदेश के तापमान गिरेगा। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। इस दौरान लगभग पूरे प्रदेश में भीषण लू और कहीं कहीं पर उष्ण रात्रि को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल प्रदेश में सभी 75 जिलों में लू का भी अलर्ट जारी हुआ था और इसी के साथ 66 जिलों में उष्ण रात होने की संभावना जताई थी, जो दोस्तों बिल्कुल सही हुआ। और मौसम विभाग की ओर से मानसून में अभी नरम पड़ने की जानकारी सामने आई है। इस प्रकार की स्थिति प्रदेश के लोगों को अभी 2 से 3 दिनों का और इंतजार करना हो। इसके बाद बादलों की आवाजाही और राहत बारिश के से उसके से राहत मिलने वाली है। तो कब दोस्तों राहत मिलेगी, कब मानसून आएगा और किन किन जिलों के अंदर आज भयंकर लू चलने वाली है, तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो बात कर लेते दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है, लोगों को कहीं भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। हैरान की बात यह है कि यूपी में दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक टिका हुआ है, वहीं रात का तापमान भी कई जिलों में 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसमें झांसी, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और वाराणसी जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में लोगों को दिन के भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रात में भी इसी गर्मी के साथ जूझना पड़ रहा है। हालांकि इसी बीच लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से रात भरी खबर सामने आ रही, जिसके मुताबिक 3 दिन बाद पूरी हवाएं उत्तर प्रदेश में दस्तक देगी और उत्तर प्रदेश में तापमान गिरेगा। कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलेगी, जिससे लोगों को काफ़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी। वहीं लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूरे यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 दिन तक लोगों को सावधान रहना होगा और दिन में निकलने से पहले सावधानी बरतनी होगी। 3 दिन बाद मौसम करवट लेगा और पूरी हवाएं दस्तक देगी, जिससे मौसम सुहाना होगा और अब लगातार उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट होगी। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, झांसी, आगरा, गोरखपुर, बलिया चुर्क, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, मथुरा, पुरसतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ और बस्ती में अगले 3 दिनों तक हीट वेव का कहर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्व अनुमान है। वहीं आज ये जिले सबसे गर्म रहेंगे। वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, बुंदेलखंड में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये जिले गर्म रहेंगे और यहाँ का अधिकतम तापमान आज भी 45 से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्व अनुमान है और यहाँ का न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं इन जिलों में आज गर्म हवाएं भी परेशान करेगी। तो उरई, हमीरपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, नजीमाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और इटावा, आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई में आज तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्व अनुमान है और यहाँ का न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार यूपी में मानसून 24 जून तक पहुँचने की संभावना। इससे पहले अपडेट के अनुसार यूपी में मानसून 20 जून को पहुँचना था, लेकिन धीमी पड़ी मानसून की गति के कारण अब 24 जून तक पहुँचने की संभावना है। 21 जून को होने वाली बारिश से लोगों को लू और भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं पिछले कई दिनों से यूपी में लू की स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग ने यूपी में लू को लेकर रेड और ऑरेंज और येलो तीनों अलर्ट जारी किया गया है और कई येलो तो कई रेड तो कई भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे यूपी के लोगों को लू का सबसे अधिक परेशान किया है। यूपी के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जलोन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, जैनपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र में मौसम ने
मौसम विभाग ने लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी मैंने अभी जिले बताया इसके अंदर आज भयंकर लू चलेगी और भयंकर गर्मी रहेगी, तो इसलिए आपको बच के रहना है। वहीं प्रतापगढ़ सहारनपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फूले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, एटा, काशीराम नगर, बदियू, मुरादाबाद, बरेली, रामनगर, मैनपुरी, फारुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, कन्नौज, बहराइच, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, श्रीवास्तव, बलरामपुर, अयोध्या और अमेठी, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अमरोहा, अकबरपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, हरदोई में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल यूपी में 73 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज 75 जिलों में सभी जिलों के अंदर लू का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में यूपी में बारिश की संभावना जताई है, इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि यूपी के विभिन्न जिलों में यहाँ पे आने वाले 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव होना शुरू होगा, जिससे कई जिलों में यहाँ पे बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं 21 और 22 जून को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बता दें, बिजनौर, बरेली, बांदा, बदियू, बागपत, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, पीलीभीत, लखनऊ का कुशीनगर और मिर्जापुर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर में 20 से मौसम में बदलाव शुरू होगा। 21 जून को बारिश होगी और इसके साथ ही अन्य जिलों में 21 जून को हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कल लखनऊ का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। प्रयागराज का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सबसे गर्म शहर रहा है। झांसी का भी तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बाराबंकी में भी 46 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। कानपुर का तापमान जो है वो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वाराणसी में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है और हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। आगरा के ताज में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है और फतेहपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वहीं आज कई जिलों में हीट वेव चलने की आशंका वो है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती, गोंडा, सरवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फारुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, मैनपुरी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सांभल, बदियू और आसपास के इलाकों में और देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और सहारनपुर और आसपास के इलाके हैं।